Hey guys, it's Ishani and welcome back to my channel. Today I am back with an amazing and a very different form of art जिसको बनाने के लिए मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा excited हूँ. और ये बनाने के बाद आप wall hanging और wall decor की तरह आप use कर सकते हैं. मैं आज बनाऊंगी इसको एक वुडन पीस के ऊपर. अगर आपके पास वुडन पीस नहीं है तो कोई बात नहीं, कार्डबोर्ड के ऊपर भी आप बना सकते हो. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट गेट्स इनटू द वीडियो. सो दिस इज़ द पीस जिसमें मैं आज आर्ट बनाऊंगी. और आपको ज़रूरत नहीं है कि इसी साइज़ में बनानी है ये. यू आर फ्री टू यूज़ एनीथिंग गाइज. आपको जिस साइज़ में बनाना है आपको उसी साइज़ में बना सकते हो. तो अभी मैं एक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मेरे पूरे बेस को कलर करने के लिए. एंड मेरा बेस कलर हो चुका है. अभी मैं दूसरा कलर को अप्लाई करूँगी. और एक वुडन बेस क्रिएट करना चाहती थी मैं. तो एक वुडन बेस के लिए मैं ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर बोथ अप्लाई कर रही हूँ एक वुडन टाइप का टेक्सचर देने के लिए. ये वुडन पीस ही है फिर भी एक वुडन टाइप का एक टेक्सचर लाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर बोथ. सो लुक एट दिस, मेरा बेस ऑलरेडी रेडी हो चुका है. एंड मैं इसको अभी साइड में रख दे रही हूँ सूखने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा. तो अभी मैं एमसिल को यूज़ करूँगी मेरा पूरा आर्ट क्रिएट करने के लिए. यही मेरा एक मेन प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ अभी. तो इसमें आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैं दिखाई थी आपको. अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है. इसमें दो टाइप का कंपोनेंट रहता है, इसको मिलाना पड़ता है अच्छे से. एंड मिलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, पूरा ब्लैक हो जाता है. एंड मैं अभी इसको फ्लैट सर्फेस के ऊपर रख के पूरे रोटी की तरह बेल रही हूँ ताकि एक फ्लैट सर्फेस क्रिएट हो जाए. एंड आफ्टर दैट मैं इसको एक पॉट का शेप दूंगी, बिकॉज मैं फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ. तो एक पॉट का शेप दूंगी. एंड इसको अच्छे से शेप देने के लिए स्केल की मदद से साइड का जो पोर्शन है इसको अच्छे से शेप दे रही हूँ. एंड उसके बाद मैं इसको फेविकॉल की मदद से स्टिक करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस बर्ड्स. सो मैं सोच रही थी पूरा से ही करूँगी. एंड फिर से मैं वही सेम प्रोसेस ही अप्लाई कर रही हूँ. फेबिकॉल ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स एंड स्टिक किए जा रही हूँ एमसिल को. एंड जो शेप मुझे चाहिए मैं बना रही हूँ एंड स्टिक कर रही हूँ. एंड यूजुअली सबके पास टूल्स अवेलेबल होता नहीं है शेप क्रिएट करने के लिए. तो मैं मेरे हाथ की मदद से ही मैं शेप्स क्रिएट कर रही हूँ. तो आप भी वही कर सकते हो, ज़्यादा टूल्स आपको ज़रूरत नहीं हो पड़ेगा. सो मेरा ये फ्लावर बनाना हो गया है. एंड आई लविंग दिस प्रोसेस गाइज. आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है ये फुल प्रोसेस. एंड अभी मैं क्विकली जो अदर डिटेलिंग है मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ. सेम प्रोसेस है, फेविकॉल लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं जो अदर डिटेलिंग है उसको स्टिक करती जाऊंगी.
मेरा फुल डिटेलिंग कंप्लीट हो चुका है एंड जो रिमेनिंग एमसील है उसकी मदद से मैं लीव्स बनाऊंगी एंड सेम ही प्रोसेस है जैसे मैं फ्लावर बनाई थी उस तरह से ही मैं लीव्स बनाऊंगी। अब देखिए एंड होपफुली यू लव दिस गाइस। एंड अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे है, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ये फुल प्रोसेस। तो अभी मैं झटपट से जितना भी एमसील अभी है मैं उसको लीव्स में पहले शेप दे दे रही हूँ ताकि वो सूखना स्टार्ट ना कर दे, बिकॉज ये ऑलरेडी हार्ड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इसको मैं फिर से वो फेविकॉल की मदद से स्टिक कर दे रही हूँ। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग एक्रेलिक वाइट कलर और ये मैं पूरा बेस में कर दूँगी, बिकॉज एक्रेलिक कलर के ऊपर मैं अगर कुछ भी कलर अप्लाई करूँ तो ये पूरा प्रोमिनेंट हो जाता है, अच्छा लुक देता है। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग येलो एक्रेलिक कलर। फ्लावर को मैं ज़्यादा कुछ कलर इफ़ेक्ट नहीं दे रही हूँ बिकॉज पीछे का जो बेस है वो पूरा ब्लैक कलर का ही है ज़्यादातर पोर्शन, तो इस वजह से फ्लावर को भी मैं थोड़ा डिफरेंट कलर अगर दूंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इस वजह से मैं फ्लावर को लाइट कलर में ही रख रही हूँ। एंड अभी मैं लिप्स में ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं पॉट को भी ब्राउन कलर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। नाउ आई एम अप्लाइंग येलो कलर ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे एंड थोड़ा और वेरिएशन आए मेरे लीव्स में। आपके मनपसंद के कलर्स आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो कलर अप्लाई किया है आपको वही कलर अप्लाई करना है। इट्स अप टू यू एंड यू आर फ्री टू यूज़ एनीथिंग गाइस। अभी मेरा फुल रेडी हो चुका है। नाउ मैं इस करने के लिए इसको झटपट से फेविकॉल की मदद से स्टिक कर दूंगी। एंड लुक एट दिस गाइस, इट्स लुक अमेजिंग एंड आई लव दिस आर्ट और क्राफ्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। एंड अभी मैं वर्निश यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो कलर है वो फेडेड ना हो जाए टाइम जाते जाते, ये मेरा पूरा आर्ट पीस को अच्छा रखेगा एंड इसमें थोड़ा और इफ़ेक्ट लाएगा एंड बहुत शाइन भी करेगा, अच्छा दिखता है ये आफ्टर इसको इफ़ेक्ट करने के बाद। डू मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा ये मेरा पूरा आर्ट पीस।